बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। वालेकुम क्लास, टुडे आई विल डिस्कस कॉन्सेप्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, चैप्टर नंबर 15 बायोलॉजी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड व्हाट इज़ अबाउट ऑल दिस चैप्टर। अब हमने इसमें देखना है कि होम्योस्टेसिस हमारे पास है क्या। होम्योस्टेसिस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन हम देखते हैं। होम्योस्टेसिस वर्ड क्या है, किससे निकला है। होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, ठीक है। होम्योस्टेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। होम्यो का मीन है फ्रॉम द होम, होम से निकला है, स्टेसिस टू मेंटेन, सो डैट्स मीन वी क्लीन आवर हाउसेस, वी मेंटेन आवर हाउसेस। जैसे हम बात करते हैं कि हाउस की, ठीक है, हाउस हमारे पास क्या है कि इसमें होम्यो का मीन हमारे पास क्या है, टू होम, स्टेसिस टू मेंटेन, फ्रॉम हाउस। अब इसमें ये सेम केस है, अगर हम अपने घरों की बात करते हैं, हम अपने घर में क्या करते हैं कि उसको क्लीन करते हैं, मेंटेन करते हैं, हर चीज़ को अपनी ही जगह पे रखते हैं। ये तो नहीं करते कि हम अपने घर की चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं या मिसबैलेंस करते हैं। तो इस तरह क्या है कि अपनी हर चीज़ें क्या है, अपनी अपनी जगह पर है। अगर थोड़ी सी क्या है हमारे पास चीज़ें डिसबैलेंस हों तो हम उसको बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो इन सेम केसेस विद आवर बॉडी या सेल्स, ये सेम केस हमारे साथ क्या है, हमारी बॉडी के साथ भी होते हैं। अगर हम इसकी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, मेंटेन करते हैं फ्रॉम द हार्म्स या फ्लक्चुएशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्या करते हैं, जो भी इंटरनली इन्वायरमेंट हार्म्स फ्लक्चुएशंस आती हैं, हमारे में चेंजिंग्स आती हैं, उसको क्या करती है, मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग्स आ रही है हमारे सेल्स के इंटरनली इन्वायरमेंट, उसको मेंटेन करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब हमारे पास हम बात अगर करें फ्लक्चुएशंस की, फ्लक्चुएशंस हमारे पास बेसिकली है क्या, चेंजिंग्स, ठीक है। वो चेंजिंग्स टेम्परेचर में भी हो सकती हैं, वाटर कंसंट्रेशन में भी हो सकती हैं। तो ये सारी जो भी चेंजिंग एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में आती हैं, हमारे सेल्स इंटरनली उसको मेंटेन कर लेते हैं। बेसिकली होम्योस्टेसिस का वर्ड क्या है, कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, ठीक है, मेंटेन करना अपने सेल्स को, बॉडी को। अब आगे अगर हम डिस्कस करें कंपोनेंट्स के, कि होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स क्या हैं, कि होम्योस्टेसिस हमारे पास है क्या। अगर डेफिनेशन तो हमने देख लिया, अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स इसके थ्री बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट आता है टेम्परेचर, सेकंड है इसमें एक्सक्रीशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, थर्ड हमारे पास आता है वाटर प्लस सॉल्यूट्स। तो ये तीनों कंपोनेंट्स क्या हैं, मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज़ में क्या है कि हमारे पास चेंजिंग आ जाए तो सेल उसको मॉडिफाई कर लेगा टू मेंटेन दीज थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि तीनों कंपोनेंट्स
प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि मेंटेन है तीनों कंपोनेंट्स, तो सेल भी अपना प्रॉपर फंक्शन मेंटेन करेगा। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसबैलेंस है तो सेल अपना प्रॉपरली फंक्शन मेंटेन नहीं करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, हमने बात की इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, आगे हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं, कि यही टेम्परेचर, एक्सट्रीशन ऑफ वाटर या रिमूवल, तो इसमें वाटर प्लस सॉल्यूट्स तीनों चीज़ें किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ डिसबैलेंस है या क्या है कि इनमें से अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही, मेंटेन नहीं है, तो सेल भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस को मैकेनिज्म कौन कौन से कंट्रोल कर रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस को थ्री मैकेनिज्म, सक्सेसिव मैकेनिज्म जो कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स में हमने बात की टेम्परेचर, एक्सट्रीशन और वाटर। तो टेम्परेचर की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें मैकेनिज्म जो इसको कंट्रोल करता है वो थर्मोरेगुलेशन है, ठीक है, थर्मोरेगुलेशन। अगर हम इस वर्ड को देखें तो थम्स से हमें पता लगता है हीट, ठीक है, तो थम्स क्या है, हीट है, रेगुलेशन टू मेंटेन, कि जो विद इन बॉडी हीट को मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सट्रीशन या वेस्ट मटेरियल। तो जब भी कोई हमारी बॉडी में रिएक्शन प्रोसीड होता है तो सबसे पहले हम फूड इनटेक कर रहे हैं। फूड जब हम इनटेक करते हैं तो उसमें क्या है, डाइजेशन होती फूड की, तो डाइजेशन जो हो जाती है, जो तो पार्टिकल्स की डाइजेशन होगी, फूड अब्जॉर्ब हो गया। जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी ब्रेकडाउन नहीं हुई वो क्या है, एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पर बॉडी से थ्रू स्वेट या यूरिन निकल जाते हैं, एक्सट्रीशन हो जाती है। तो एक्सट्रीशन हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, इसको वेस्ट मटेरियल के लिए जो मैकेनिज्म है वो एक्सट्रीशन का है। थर्ड हम बात करते हैं वाटर प्लस सॉल्यूट्स। जब भी हमारे पास आते हैं वाटर और सॉल्यूट्स दोनों, तो उसमें उस पर मैकेनिज्म जो एक्ट करता है वो है ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन हमारे पास बेसिकली है ही क्या, जब ओस्मो का मीन आता है वाटर प्लस सॉल्यूट्स, और रेगुलेशन का मीन है टू मेंटेन। तो ये क्या करते हैं, तीन मैकेनिज्म है जो कि इसको होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ बात करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सेंटर हमारे पास क्या है। कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर इसी तरह से जो हमारी बॉडी के ऑर्गन होम्योस्टेसिस पे वर्क करते हैं, जो उनमें हेल्प आउट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करें तो उसके भी बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं। हमारे पास कंट्रोल सिस्टम होता ही क्या है, कि वो भी जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स में बात करें तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम आता है, अगर बायो में हम बात करें तो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है। तो कंट्रोल सिस्टम हमारे पास क्या है, कि उसमें भी जो हमारे पास स्टिमुलस हमें मिलेगा, उसके स्टिमुलस चेंजिंग्स वगैरह, टेम्परेचर की अगर बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंजिंग्स हमारे पास स्टिमुलस आई, आगे उसने रिस्पॉन्स किया, कि इफेक्टर को आगे चीज़ रिस्पॉन्स की, कि जो चेंजिंग्स आई हैं उसके मुताबिक उसने इफेक्ट किया, ठीक है। इसी तरह इसके बेसिक पार्ट्स थे। अब हम इसकी थ्रू डायग्राम देखते हैं अगर होम्योस्टेसिस की, कि अगर हमने ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल लिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल लें, तो ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं, चेंजिंग्स किस तरह की हो सकती हैं, टेम्परेचर, वाटर प्लस सॉल्यूट्स वगैरह की, तो ये जो भी चेंजिंग्स आएंगी ये क्या है, उसके अकॉर्डिंग इंटरनली इन्वायरमेंट अपने आप को मेंटेन कर लेगा। तो एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग्स आती हैं उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी दोबारा इसको रिवाइज करें होम्योस्टेसिस का, तो होम्योस्टेसिस हमारे पास बेसिकली आपके पास है क्या, कॉन्सेप्ट्स हमने सबसे पहले देखने थे। होम्योस्टेसिस आपका चैप्टर 15 का स्टार्ट है कि होम्योस्टेसिस होते क्या है क्या चीज़ हमारे पास। तो होम्योस्टेसिस आपके पास
बेसिकली टू वर्ड्स कम्बिनेशन है। होमियो का मीन होता है फ्रॉम होम, और स्टेसिस का मीन है मेंटेन, कि हमने जो चीज़ को मेंटेन करना है। सो सेम केसेस यही हमारे बॉडी या सेल्स के साथ होते हैं कि मेंटेन आवर सेल्स को मेंटेन करना है जो भी उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। तो इसी तरह कि हमने उसके आगे कंपोनेंट्स देखे, तो इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं, टेम्परेचर है, एक्सक्रीशन वेस्ट मटीरियल, और थर्ड है आपके पास वाटर प्लस सल्यूट्स। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट्स इसको मेंटेन करते हैं। अगर इन तीनों कंपोनेंट्स में से कोई भी चीज़ में चेंजिंग्स आती हैं या उसमें क्या है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, कोई एक चीज़ मिसबैलेंस है, तो सेल भी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो उसके लिए क्या है, अगर तीनों चीज़ें अपना मेंटेन है तो सेल प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि इसमें मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, कि होमियोस्टेसिस को कंट्रोल कौन कर रहा है। तीन मैकेनिज्म थे जो कि इसके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर रहे थे। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो का मीन आपको पता लगता है कि उसके नेम से हीट, रेगुलेशन टू मेंटेन, कि जो हीट को विद इन बॉडी मेंटेन करते हैं, और एक्सक्रीशन का रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल थ्रू स्वेट या यूरिक एसिड, यूरिक। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं वाटर प्लस सल्यूट्स की, जो कि ओस्मो रेगुलेशन है। जब भी ओस्मो वाटर की बात करें या सॉल्ट्स की, दोनों की, तो उस पर जो मैकेनिज्म एक्ट करता है वो ओस्मो वर्ड यूज़ होता है, रेगुलेशन टू मेंटेन। उसके बाद हमने कुछ डायग्राम के थ्रू देखा कि अगर हमारे पास सेल है तो उसमें किस तरह से एक्सटर्नली और इंटरनली चेंजिंग्स आ सकती हैं, और बाद में हमने देखा कि कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सेंटर क्या थे, कि होमियोस्टेसिस पे किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। डैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।